the secret of your life. नमस्कार जी, मैं हूं शिफाली, स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में। आज मैं आपके सामने एक और नया एपिसोड लेके आई हूं। आज का जो सेटअप है हमारा वो चेंज है। जब भी प्रोफेसर साहब सेटअप चेंज करते हैं तो परमात्मा की बातें करते हैं। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आप जब भी सेटअप चेंज करते हैं तो परमात्मा की ही बातें करते हैं। परमात्मा की बातें ऐसे, जब आपने पहला एपिसोड किया था तब भी आपने परमात्मा की बात की थी। परमात्मा की बात, भगवान की बात, भगवान श्री रामचंद्र जी की बातें करी थी आपने। तो आपको याद है? याद है मुझे प्रोफेसर साहब, मैंने आपका आपके सारे एपिसोड देखे हैं। मैंने भी तब तो मैं आपकी कस्टमर ही हुआ करती थी। तो आपने उस एपिसोड में ये भी बताया था कि हमें जो है रावण के जो है पुतले नहीं साड़ने चाहिए। सबसे पहला एपिसोड था मेरा। हाँ, वो मैंने सारे एपिसोड आपके देखे हैं। तो आज भी सेटअप चेंज है, लोकेशन चेंज है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आज भी हम परमात्मा की ही बातें करना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा ये जानने की कोशिश की आपने कि जब भी मेरा सेटअप चेंज होता है मैं भगवान की ही बातें करता हूँ। बिल्कुल करता हूँ। क्यों प्रोफेसर साहब, क्यों भगवान की ही बातें करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जब भी मैं किसी भी सेटअप के ऊपर जाऊं, कहीं भी नई जगह के ऊपर जब भी मैं जाता हूं, तो मेरे जब भीतर से बातें निकलती हैं, भीतर से रहस्य निकलते हैं, आत्मा जो होती है भगवान का कार का होता है, मेरी आत्मा से बातें निकलती हैं जब भी मैं अंदर से। मैं कभी भी स्क्रिप्ट तैयार नहीं करता, मैं कभी भी ये नहीं, शिफाली जी कोई भी सवाल पूछे मेरे से, एट ए टाइम जो जवाब देता हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ से जवाब आते हैं, मुझे नहीं पता। ये आप नॉलेज कह सकते हो, भगवान का ज्ञान कह सकते हो, या कुछ भी, लेकिन मैं सबको कैमरे के ऊपर यही बताता हूँ कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी मैंने बहुत कुछ सीखना है जो कभी नहीं सीखा। हाँ, आज बात करेंगे भगवान की। क्या जानना चाहते हैं प्रोफेसर साहब? आपके साथ रह रहे कि मुझे इतना तो पता चल गया कि आप भगवान को बहुत मानते हैं, इतना तो मुझे पता है। प्रोफेसर साहब, आपको पता है कि आप कहीं त्रिम्बकम मंदिर में गए थे जो महाराष्ट्र बॉम्बे की साइड पे है, तब जब आप 25 साल पुरानी बात कर रही हूँ, आप कहते होते हैं जब हम पूरा स्टाफ बैठते हैं साथ में, तो आप बोलते हैं कि जब मैं पहले शिवलिंग पे जल चढ़ाए बिना मैं पानी नहीं पीता था। तो वो रहस्य आज, वो गाथा, वो रहस्य आज मुझे सुनाइए जो उस बॉम्बे का, उस त्रिम्बकम मंदिर का था। वो आज आपने 25 साल पहले की बात कर दी, जब मैं त्रंबकम मंदिर में गया था। हाँ, मुझे पहले अभी तक याद है, आज से 15 साल के बाद मैंने जाना मंदिर गुरुद्वारा सब में जाना बंद कर दिया, लेकिन पहले मैं जाता था। पहले मैं क्या करता था, बिना नहाए धोए और पानी मुंह के ऊपर नहीं लगाता था जब तक शिवलिंग के ऊपर पानी जल नहीं चढ़ाता था। चलो, शिवलिंग के ऊपर जल की बात आई तो सबको मैं फिर दोबारा बता दूँ, अगर हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना चाहते हैं तो सुबह 3 से लेकर 6 के बीच में चढ़ाना चाहिए, उसके बाद निष्फल होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता जल चढ़ाने का। अगर सुबह 3 से लेकर 4 के बीच में आप सिंपल पानी चढ़ाते हो तो वो अमृत की तरह लगता है कि आपने शिवलिंग के ऊपर अमृत चढ़ाया है। अगर आप 4 से लेकर 5 के बीच में जल चढ़ाते हो तो वो दूध लगता है, चाहे आप सिंपल जल ही चढ़ाओ। अगर आप 5 से लेकर 6 के बीच में चढ़ाते हो तो वो सिंपल जल ही लगता है, चाहे आप अमृत चढ़ाओ, चाहे आप दूध चढ़ाओ, सिंपल जल लगता है, उसके बिना कुछ नहीं लगता। अगर आप 6, 6:15, 6:30, 7, 10, लोग तो 10-10 बजे तक जल चढ़ाते हैं, तब कोई फ़ायदा नहीं होता, तब भोले शंकर जी शिव नगरी में चले जाते हैं, शिव नगरी यानी कि शमशान घाट में चले जाते हैं। चलो, ये तो बात आई, बातों में मैंने बात कर दी। पहले मैं वाकई में, शिफाली जी का कहना बिल्कुल सही है, मैं जब भी पहले खाना तक नहीं खाता था, पानी तक नहीं पीता था जब तक शिवलिंग के ऊपर जल ना चढ़ा दूँ। तो मेरे दोस्त मेरे साथ थे, हम ऑन रोड जा रहे थे, रास्ते में मंदिर नहीं आया, कुछ भी नहीं, तो मुझे कहने लगे, प्रोफेसर साहब आज फंस गए आप, हमने तो ब्रेकफास्ट कर लिया तो आप कैसे करोगे, नहा दो। हमने वहीं पर लिया था ढाबे के ऊपर ही, जहाँ पे हमने निकलना था, क्योंकि रात को सफ़र करते हुए आ रहे थे, तो रास्ते में शिवलिंग तो कहीं नहीं मिला था। फिर मैंने क्या किया,
मैंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, फिर हमने पानी की बोतल ली, ऊपर से जल चढ़ाया, फिर बाद में मैंने पानी पिया। ये नहीं कि भगवान को मानना ही सिंपल है, भगवान के साथ साथ आपका दिमाग भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एस्ट्रोलॉजी करते हो तो दिमाग को भी बढ़ाना चाहिए। दिमाग कैसे बढ़ता है? जब आप सुबह की सैर करते हो, दिमाग में जो रहस्य होते हैं वो खुलते हैं सुबह की सैर में। इसलिए जब भी मैं शिवलिंग, मैंने अपना खुद का शिवलिंग वहाँ पर मिट्टी से क्रिएट किया, वहाँ जल चढ़ाया, फिर पानी पिया, तभी मेरे दोस्त जितने भी मेरे साथ जाते थे वो कहने लगे, प्रोफेसर साहब आपके पास हर चीज़ का जवाब है, जो भी बात बोलते हो, जो करते हो, हम कभी सोच भी नहीं पाते भी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप भगवान को कहीं पे भी पा लेते हो, भगवान को कहीं पे भी क्रिएट कर देते हो। मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, दुनिया कहती है, दुनिया क्या कहती है, जग कहता है, जग क्या कहते हैं, भगवान भी यही कहता है, कन कन में मैं हूँ। अगर भगवान कन कन में है तो रेता के कन में भी भगवान था। मैंने रेता के कन को ऐसे इकट्ठा किया, मिट्टी से शिवलिंग बनाया, ऊपर से जल चढ़ा दिया, तो क्या किया? यही मैं समझाता हूँ, अगर भक्ति हो तो ऐसी हो। आज से 25 साल पहले मेरी भक्ति तो ऐसी थी, फिर उसके बाद आज के 15 साल के बाद जब मुझे होश में आई, होश यानी कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा तो मुझे पता चला तो भगवान तो हमारे भीतर ही था। इसलिए मैं क्या रोज़ जल चढ़ाना कर्मकांड में पड़ गया था, फिर मैं कर्मकांड से बाहर निकला, फिर मुझे पता चला कि वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का भला करने में ही भगवान है। इसलिए मैंने ये लाइन को अपना लिया और प्रोफेशनल बना लिया। ये तो प्रोफेसर साहब ने 25 साल पुरानी बातें बताई। आप तो कहते हैं कि परमात्मा है, परमात्मा की रजा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। गुरबानी का एक शब्द है, करण करावन आपे आप। जब परमात्मा ही सब कुछ करता है तो हम एस्ट्रोलॉजी पे या हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों आए? क्या आपके उपाय काम करते हैं फिर? शिफाली जी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर मेरे ख्याल में कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन आपका चैलेंज है मेरे के ऊपर, क्योंकि आप जब बैठे थे तो आपने बोला था कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। मैंने इसलिए बोला था प्रोफेसर साहब क्योंकि मुझे पता था आपके पास हर चीज़ का जवाब है। आप जो भी चीज़ का जवाब देते हो साइंटिफिक रीज़न के साथ, आपके पीछे, आपकी हर बात के पीछे एक लॉजिक होता है, तो मुझे किसी के पास ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, इसलिए मैंने आपके पास एक क्वेश्चन रखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि वाकई में क्या जो भगवान कण कण में बैठा है वो सब कुछ आप खुद पे खुद करता है, क्या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है फिर? क्या प्रोफेसर साहब फिर उपाय काम करते हैं, ये मैं पूछना चाहूँगी आपसे, क्या उपाय काम करते हैं हमारे? बिल्कुल करते हैं शिफाली जी, बिल्कुल करते हैं। आपके पास क्यों इतनी पब्लिक, जो इतना आपका परिवार है, आपके पास इतनी लाइनें की लाइनें लगी रहती हैं? मैं खुद देखती हूँ, मैं सुबह के 8 बजे आपके ऑफिस में पहुँच जाती हूँ और शाम को मुझे 7 बज जाते हैं, फिर भी आपके पास कस्टमर नहीं ख़त्म होते, फिर बाद में फ़ोन अपॉइंटमेंट, ये वो सारा दिन चलता ही रहता है। घर जाके बस मुझे भी घर वाले यही कहते हैं, बस शक्ल दिखाने आ गई तो घर पे। मेरे भी यही बोलते हैं। शिफाली जी, चलो पहले मैं इस बात का आंसर दे दूं कि अगर भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, अगर भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता तो फिर उपाय काम करते हैं, क्या एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ज़रूरी है? मुझे ये बताइए शिफाली जी, अगर भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता तो भगवान ने आपको मेरे यहाँ पे बिठाया और उसने ही अंदर से ये क्वेश्चन पुट किया, भगवान ने ही आपको बताया कि गुरदीप अरोड़ा से ये क्वेश्चन पुट करो, कि वो ही अंदर बैठ के अब जवाब दे रहा है। अगर वो ही करता है तो अंदर मैं जवाब देता हूँ तो वो ही करवाता है। इसलिए जो इंसान मेरे पास पहुँचता है उसके अंदर भीतर बैठा भगवान जब वो टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखता है तो वही बताता है इसके ऊपर अंदर जा, आत्मा से आवाज़ निकलती है, ये इंसान आपके लिए सही है या गलत है, आप उसके पास जाइए। आपको रास्ते का नहीं पता, रास्ता बताता है एक इंसान, जैसा कि आप अभी चले जाओ, चलो जैसा कि आप फिरोजपुर के पास एक मल्ला वाला शहर है, मल्ला वाले के पास एक छोटा सा गांव है, किसी भी गांव का नाम ले लो, कुछ भी कैसा भी गांव, गाड़ी वाला ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, मल्लों के ले लो, कुछ भी, वहाँ आपने जाना है तो आप ऐसे कैसे चले जाओगे मुझे ये बताओ? आजकल तो GPRS बन गए, पहले नहीं होते थे, पहले आप किसी इंसान से रास्ता ज़रूर पूछते, अरे भाई मैंने
वहाँ इस शहर में जाना है, वो बताता अरे भाई पहले आपको मोगा जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जीरा जाना पड़ेगा, फिर मल्लावाला जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मल्लो के जाना पड़ेगा, यानी कि ऐसे ऐसे गांव रास्ता बताने वाला इंसान वो है एस्ट्रोलॉजर, ना के रास्ते पर पहुँचाने वाला। बहुत ध्यान से सुनिए, बातों में दो बातें आती हैं, एक रास्ता बताता है, एक रास्ता पहुँचाता है। जो पहुँचाता है वो है भगवान, जो बताता है वो है एस्ट्रोलॉजर। देखिए फिर बोलिए, आपको नौकरी दिलाता है वो है भगवान, जो रास्ता बताता है अरे भाई ये फार्म भरिए यानी कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, ये उपाय कीजिए, वो है इंसान, ना के भगवान। एस्ट्रोलॉजर कभी भगवान नहीं होता, वो सिर्फ रास्ता दिखाता है। रास्ते पर पहुँचाता कौन है? भगवान। वो क्यों? क्योंकि उसने आपको रास्ता बताया, आप वो रास्ते के ऊपर आंखें बीत के आपने रास्ता बुना भी, ये इंसान मुझे रास्ता सही दिखा रहा है, किसी को गलत नहीं बोल रहा, भगवान की रज़ा में रहकर हमें रास्ता दिखा रहा है। तो उस इंसान के ऊपर हम आंखें बंद करके विश्वास करते हैं तो रास्ता सही मिल जाता है। जब आप 500 बंदों के पास जाते हो रास्ता पूछने के लिए, वो आपको कहता है अरे भाई ऐसे नहीं, इधर जाना है। आज से 25 साल पहले की मैं बात करूं, मैं दिल्ली में गया था तो मैंने एक आदमी से रास्ता पूछा, मैंने कहा यार यहाँ पे एक गली निकुड़त में निकलती थी वहाँ पे जाते, वो कहाँ जाता है? कहता हमें नहीं पता, आगे जाइए। वो सरदार इंसान था, मैंने कहा कमाल की बात है। मैंने कहा यार पंजाब में तो हम घर तक छोड़ने के लिए आते हैं, हमसे पूछे तो हम तो घर तक छोड़ने के लिए जाएंगे। वो तो क्या बोलने लगा, आप पंजाब का बंदा यहाँ पर बिठा दो ना फिर एक रास्ता बताने के लिए, हम तो पागल हो जाते हैं रोज रास्ता बताते बताते। यानी कि ऐसे जब बंदे भटक जाते हैं अलग अलग इंसान के पास जाके, फिर वो सही इंसान को भूल जाते हैं, फिर वो सही इंसान जो आपको रास्ता दिखाने योग्य था, फिर आप उसके ऊपर भी शंका पैदा करते हैं, फिर शंका से उपाय करते हैं। भगवान कहता है अभी शंका बाकी है, जाइए अभी पहले शंका दूर करके आइए, फिर वो उस इंसान के पास जाइए। मैं फिर कहता हूँ मेरे पास वो इंसान आता है जिसका भाग्य बदलने वाला होता है, मेरे पास वो इंसान आता है जिसकी किस्मत बदलने वाली होती है, जिसकी किस्मत में अच्छा लिखा होगा वही मेरे पास आएगा। हर कोई इंसान मेरे पास नहीं पहुँच पाता, हर कोई इंसान कभी नहीं पहुँच पाता, इसलिए भगवान के बिना कुछ नहीं है। अगर भगवान करता है तो बीच में जो रास्ता दिखाता है वो है एस्ट्रोलॉजर। वो कौन सा एस्ट्रोलॉजर है? जो जिसके दिल में भगवान बसता है, जो आपको दिल से बातें बताता है, जो कहता है ओम नमः शिवाय, हो जाएगा काम। मेरे पास तो कुछ लोग आकर कहते हैं प्रोफेसर साहब कुछ मत की, ये उपाय नहीं हमें चाहिए, आप सिर्फ यही बात बोल दीजिए कि मैं बाहर चला जाऊँ बस ओम नमः शिवाय का जाप करके। मैंने कहा अरे भाई मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप कुछ उपाय भी कीजिए। नहीं नहीं प्रोफेसर साहब हमें विश्वास है, वो बाहर चले जाते हैं जब मैं बोलता हूँ। ये चीज़ें तो प्रोफेसर साहब होती हैं। कल भी हमारे पास एक कस्टमर आए थे जो आपको ये बोल रहे थे कि प्रोफेसर साहब जब से आपसे मिला हूँ मेरी ज़िंदगी बदल गई, मतलब आप तो पारस मनी हो, उन्होंने ये वर्ड भी बोले थे। मैं खुद आपके साथ बिल्कुल साथ बैठती हूँ जैसे, पर मुझे मतलब इतनी हैरानी हुई कि मतलब जैसे पारस मनी वर्ड उन्होंने आपके लिए यूज़ किया। और ऐसे कई कई सारे कस्टमर आते हैं जो सिर्फ यही बोलते हैं कि प्रोफेसर साहब सिर्फ इतना ही बोल दीजिए हमारा काम हो जाएगा, हमें पता है कि हो जाएगा। शेफाली जी विश्वास, जो उनका विश्वास मेरे ऊपर बना हुआ है, कई दफ़ा तो मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं जब इतना प्यार लोग देते हैं हमें, मैं लोग नहीं बोलूँगा मैं अपना परिवार बोलूँगा, इतना प्यार इतना स्नेह देते हैं मेरे, कई दफ़ा तो मेरा दिल भी नहीं करता कि ऐसे लोगों को फीस मैं क्यों लूँ, फिर आपके सामने आना होता है, तो अगर फीस नहीं लेंगे तो फिर आपके सामने कैसे आऊँगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं, चलो मैंने प्रण किया हुआ है अभी 6-7 साल बाकी हैं मेरे, उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी मैंने फ्री देखना है। अभी जैसे कहते हैं मैंने पहले भी आपको बताया 50 साल तक ही काम करना है, उसके बाद नहीं। उसके बाद मैंने सोचा था कि सेवा करनी है, कैसे भी सेवा करूं, किस रूप में करूं, वो तो बात की बात है चलो, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि आपको जो ज़िंदगी के रहस्य हैं, जो मेरे अंदर रहस्य हैं, जो मैंने खोज की है, जहाँ मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि वहाँ से ज्ञान इकट्ठा करूँ आपको बताऊँ, वहाँ से ज्ञान कुछ ऐसा ज्ञान मिल जाए जो कि आपके योग्य हो, आप कामयाब हो जाओ। कोशिश मेरी यही होती है कि आपके रहस्य जो होते हैं जो आपको नहीं पता, वही रहस्य जो आपके पुरखों के, जो आपके पुरखों की बातें वो मैं आपको बताता रहूँ जो आप भूल चुके हो। जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग कहते थे किसी भी बुरी बात का नाम नहीं लेना,
बुरी बीमारी का नाम नहीं लेना, वो चीज़ ऐसे नहीं बोलनी, कोई भी ये नहीं कहना कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा नहीं कहना, क्योंकि 24 घंटे में वो बात पूरी होती है, बुज़ुर्ग हमारे बोलते थे। ऐसी बातें यादें दिलाने के लिए आपके सामने आता हूँ। शिफाली जी ने आज बहुत बढ़िया बात की कि जब भगवान सब कुछ करता है तो हमारी, हम एस्ट्रोलॉजरों की क्या ज़रूरत है। एस्ट्रोलॉजर होता है रास्ता दिखाने वाला, इन जो मंजिल तक पहुँचाता है वो भगवान ही है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी के ऊपर चल रहे हो और वह सामने अपने मंजिल पे जाना है, गाड़ी के बैठे हो, तो गाड़ी पे जो बैठे हो समझ लीजिए वो गाड़ी एस्ट्रोलॉजर ही है जो आपको लेकर जा रही है। तो पहुँचाता भगवान है, क्यों? क्योंकि उसकी रजा के बिना पहुँच भी नहीं पाते, गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाएगी। ऐसे एस्ट्रोलॉजर बहुत है जो रास्ते में आपको कभी भी वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ ख़राब रहती हैं। विश्वास ही नहीं होता उनको, खुद को विश्वास नहीं होता कि मेरे पास इंसान आया है वो ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहले उनको विश्वास अपने ऊपर बनाना चाहिए। जो इंसान ऐसे बातें करते हैं टीवी में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब पास जाते तो कुछ और होते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। डबल माइंड आपका तो होता ही है। आपको पता है जब चंद्रमा किसी का ख़राब हो, मालूम है चंद्रमा ख़राब होता है तो इंसान दर दर भटकता है, कभी किधर कभी किधर कभी किधर कभी किधर। आपको पता है चंद्रमा ख़राब होता है तो पैसे, लिक्विड मनी का कार का वो क्या होता है, लिक्विड मनी किससे आती है, चंद्रमा से, पैसा ख़त्म हो जाता है, कभी भी नहीं इंसान के पास पैसा रहता। निशानी बता दूँ चंद्रमा ख़राब की? शिफाली जी बताइए चंद्रमा ख़राब की निशानी क्या होती है। प्रोफेसर साहब, जैसे कभी हम बाहर जाते हैं, जैसे कई बार टैब्स हमारी लीक रह जाती है, खुद की टैब्स ही, तब भी हमें ये निशानी है कि हमारा चंद्रमा खराब है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, लगता है ये मैंने बताया होगा। हाँ बिल्कुल प्रोफेसर, मैंने आप ही से सिखाया। चलो सबको बता देते हैं, जब भी हम कभी घूमने जाते हैं किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी जगह के ऊपर माथा टेकते हैं या पानी की टैप्स खोलते हैं, जब वो थोड़ी सी लीक रह जाती है हमसे, या हम लीक टैप के ऊपर पानी के हाथ धोते हैं तो वो लीक पानी फिर लीक कर रहा है, इसका मतलब ये इंडिकेशन मिल रही है कि आपका चंद्रमा ख़राब है। देखिए किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में जाते हैं, जब कभी बाथरूम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो पानी लीक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी टैप आपने खोली उसको खुला ही छोड़ के आगे, पानी बंद नहीं किया, तो आपका चंद्रमा ख़राब है। निशानी है ये। आप ज़्यादातर टैप्स लीक छोड़ते हो, आपकी घर की टूटियाँ लीक होती हैं, चंद्रमा ख़राब की निशान है। देखिए बहुत बड़ी बात आपको पता चल गई जो किताबों में नहीं लिखी, ऐसी किताबें में थोड़ी ना लिखी होती है कि आपके हाथ से अगर टैप खुली छोड़ गई तो समझ लीजिए आपकी निशानी है टैप लीक हो, लेकिन किताब में, हाँ लाल किताब में जरूर लिखा है जिसकी घर की टूटियाँ लीक होती है छठे हाउस में चंद्रमा होता है, बस ये बात लिखी है। लेकिन ये बात नहीं लिखी कि आप कहीं पे भी जाते हो, टॉयलेट में, बाथरूम में, हाथ धोने के लिए कहीं पे भी जाते हो, वहाँ पे अगर टूटी लीक हो जाए, टैप्स लीक हो जाए या टैप खुली छोड़ दी आपने, समझ लीजिए आपका चंद्रमा ख़राब हो चुका है। निशानियाँ होती हैं। आपको पता नहीं कि ग्रहों में कितनी ताकत है जो आज तक हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। हमने सिर्फ ग्रहों को समझा, क्या है, कुछ नहीं समझा हमने ग्रहों को, क्या शनि है, बुध है, केतु है, क्या, कुछ नहीं। अरे भाई ये शनि बुध केतु ही आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। अगर एक बुध ग्रह ख़राब हो जाए तो आप पागल हो जाओगे, पता है आपको, मिर्जी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं बुध और चंद्र से, पता है आपको। अगर एक केतु ख़राब हो जाए तो पुत्र तक घर में नहीं होता, औलाद नहीं होती आपके घर में। अगर एक शनि ख़राब हो जाए तो ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाओगे, गरीबी में, जेल यात्रा और बदनामी, चोरी के इल्ज़ाम लगते हैं आपके ऊपर। देखिए शनि कितने, कौन सा ग्रह इम्पोर्टेंट नहीं है। सूर्य, अगर कहीं सूर्य ख़राब हो जाए तो दुनिया में नाम नहीं हो पाता, नौकरी नहीं मिल पाती, पिता बचपन में ही चला जाता है। देखिए निशानी। मगर कहीं माता ख़राब, चंद्रमा ख़राब हो जाए, माता परेशान रहती है। जब कभी एक टूटी टैप्स आपने लीक छोड़ दी, हाथ धोने गए टैप ऐसी छोड़ के आ गए, तो आपकी माता बीमार पड़ जाएगी। देखिए इतनी बड़ी बात, एक टैप्स आपने खुली छोड़ के आ गए तो कितना, किसको परेशान कर दिया, अपनी माता को। कभी सोचा है छोटी छोटी बातों में इतनी बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती हैं? नहीं, हमको इन बातों का पता ही नहीं चलता, हम इन बातों के पीछे दौड़ते ही नहीं, भागते ही नहीं, हम सिर्फ कहते हैं एक उपाय कर लेंगे ठीक हो जाएंगे। अगर आपने चंद्र का उपाय कर भी लिया, अगर आपने दूध का पैकेट शिवलिंग के ऊपर रख भी आए, उसके बाद आपके घर की टैप्स अगर खुली छोड़ भी दी, पानी लीकेज करता रहा, तो मतलब क्या है, आपका चंद्रमा ख़राब है। कई दफ़ा तो मैंने ऐसा भी देखा है, नहाने जाता है,
पहले ही अपना टब जो होता है भरने के लिए टब छोड़ देता है, आप काम करना शुरू कर देता है, जो पानी की टंकी लीक होता रहता है, पानी लीक होता रहता है, उससे क्या होता है, तब भी चंद्रमा खराब होता है भाई। पास में खड़े होकर अपने टब को भरिए, अगर भर गया साथ ही बंद कर दीजिए। कई औरतों को मैंने देखा, ज़्यादातर औरतों का चंद्रमा खराब होता है, ब्रेस्ट कैंसर औरत को ही होती है, जो ब्रेस्ट में बच्चों को दूध पिलाया जाता है उसी में कैंसर क्यों होती है पता है, ज़्यादातर औरतों को ही कैंसर क्यों होती है। बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं जो आज तक आप नहीं जान पाए। जब औरत कभी कपड़े धोती है कितना पानी व्यर्थ करता खराब करती है, कितना पानी व्यर्थ खराब करती है, पानी को कम से कम जितना पानी आप वेस्ट करोगे, जितना पानी को आप छिड़काव करोगे, जितना पानी आप खिलारोगे उतना ही आपका चंद्रमा खराब होगा। कोशिश कीजिए पानी को कम से कम जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ कीजिए। अगर भाई दहलीजों के ऊपर पानी डोलना है तो सिर्फ एक गिलास, आधा गिलास उधर आधा गिलास उधर, कम पानी को, जितना पानी को ज़्यादा आप वेस्टेज करते हो उतना ही चंद्रमा आपका ख़राब होता है। और जो भगवान की रज़ा के बिना कुछ नहीं होता भाई, अगर वो कहता है तभी आप मेरे पास आते हो। क्या प्रोफेसर साहब, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्या हमें अब कलयुग में क्या भगवान को ज़्यादा मानना चाहिए, धार्मिक स्थान पे जाना चाहिए? ये तो पहले सतयुग के ज़माने में लोग जाते थे मंदिर, घर में मंदिर ही नहीं बनाते थे, दूर जाके कहीं दूर, वो भी गांव से दूर मंदिर बनाते थे, लेकिन आप आज कल तो प्रोफेसर साहब गली गली में ही मंदिर है। शिफाली जी एक बात और बताऊँ, धर्म का किसी को पता ही नहीं कि धर्म क्या चीज़ है, धर्म की बातें बहुत दूर है, मंदिर गुरुद्वारे तो बहुत दूर हैं, क्योंकि असली मंदिर कहाँ है, गुरुद्वारा कहाँ है, वो किसी को आज तक पता ही नहीं। ये मैं क्या बताऊँ, चलो बता ही देता हूँ। जब मंदिर में जाकर कहते हैं ना, प्रसाद भगवान ने हमें दिया, ये दे दो प्रसाद, हमें गुरु प्रसाद दे दो, वो प्रसाद पता कहाँ से आता, असली प्रसाद बता दूँ आज, चलो बता ही देता हूँ। जब आप ध्यान में बैठते हो, आपके जीभ के पीछे जो कंठ है, जो कान जिसे हम बोलते हैं, जो जीभ के ऊपर लटक रहा है, जब आप ध्यान में बैठते हो, जब उसके बीच में बूंद आती है अमृत की, वो होता है असली प्रसाद। वो कब मिलता है, 1 घंटा 36 मिनट पहले, अब सूर्य उदय से पहले अगर हम ध्यान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो अमृत की बूंद तब नीचे गिरती है, तब इंसान को कोई बीमारी नहीं लगती, सब काम बनते हैं। लेकिन ये भी समझाने के लिए, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर एक रास्ता दिखाने के लिए, कुछ भी आपको ज्ञान देने के लिए तो इंसान होना चाहिए, वो भी भगवान के बिना आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि भगवान की रज़ा के बिना कुछ नहीं होता। मैं शिफाली जी की बात कहता हूँ कि अगर वो भेजेगा मेरे पास तभी आ पाओगे, ऐसे नहीं आ पाओगे। प्रोफेसर साहब आज आपने बहुत अच्छा बताया, आपने बहुत सारे ऐसे रहस्य खोल दिए। अगर आप भी प्रोफेसर साहब से मिलना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे लिखे अपॉइंटमेंट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।